हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड PCS के लिए उत्तराखंड स्पेशल की आज आपकी जो है क्लास नंबर फोर्थ है, थ्योरिकल क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जो कि आपकी भी प्री एग्जाम एंड मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था टनकपुर चंपावत छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है। देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी स्टेशन है। देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ सफाई, अच्छी यात्रा सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए सितंबर 2003 में ISO का दर्जा राज्य में प्रथम प्रदान किया गया। वायु परिवहन, पंतनगर को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गौचर में हेलीकॉप्टर सर्विस हेतु हैंगर का निर्माण किया गया है। पंतनगर, फूलबाग, ऊधम सिंह नगर, जेलीग्रांट देहरादून, नैनी सैनी पिथौरागढ़, गौचर चमोली और चिन्याली सौंड उत्तरकाशी में जो है परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ऊर्जा संसाधन में बांध, उत्तराखंड में जल का अपार भंडार है जिस कारण यहाँ जल विद्युत की व्यापक संभावनाएं हैं। वर्ष 2015 तक राज्य सरकार के जल विद्युत निगम द्वारा उत्पादित 1290.10 मेगावाट सहित कुल 3618 मेगावाट के आसपास जल विद्युत क्षमता सृजित हो पाई थी। 2015 के अंत तक राज्य के 98.93% गाँवों को विद्युतीकृत किया जा चुका था। उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया था। निगम कॉरपोरेशन का गठन जो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड 1 अप्रैल 2001 को इसका गठन किया गया। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 12 जुलाई 1988 में, साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का गठन 1 जून 2004 को किया गया। उत्तराखंड में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने की शुरुआत की गई है। राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना मसूरी में स्थापित की गई थी। प्रदेश में एक राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना देहरादून में की गई है। साथ ही साथ उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय अल्मोड़ा में है। टिहरी परियोजना, टिहरी बांध का डिजाइन प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित भारत सरकार की इस बहुउद्देश्यीय परियोजना के तहत 260.5 मीटर ऊंचे कॉफर बांध का निर्माण किया गया है। टेहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा तथा विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। केंद्र और तत्कालीन उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड सरकार की संयुक्त परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान में योजना आयोग को जो है नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है। कुल 2400 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना में दो चरण होते हैं। प्रथम चरण में जो है 1000 मेगावाट की टेहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। बाकी द्वितीय में जो है 1000 मेगावाट की टेहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट जुलाई 2006 में राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। इस परियोजना में सोवियत संघ रूस का सहयोग था। विद्यासागर, नौटियाल, सुंदरलाल बहुगुणा, वीरेंद्र सकलानी आदि इसी बांध के विरोध से जुड़े हुए थे। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, विष्णुप्रयाग परियोजना चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, अलकंदा नदी पे 360 मेगावाट की यहाँ से बिजली बनती है। श्रीनगर में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना जो है पौड़ी गढ़वाल पौड़ी में है, अलकंदा नदी पे है 330 मेगावाट। पाला मनेरी उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी पे 400 मेगावाट। मैनेरी भाली द्वितीय उत्तरकाशी में है भागीरथी नदी पे। टेहरी बांध प्रथम टेहरी नदी पे है, भागीरथी टेहरी जिले में है भागीरथी नदी पे। टेहरी बांध द्वितीय जो है टेहरी जिले में है भागीरथी नदी पे। कोटेश्वर बांध टेहरी भागीरथी नदी। किशाऊ बांध देहरादून में है टोंस नदी पे। लखवाड़ जो देहरादून में यमुना नदी पे है और प्यासी देहरादून यमुना नदी पे। कट्टापत्थर देहरादून यमुना नदी पे। तपोवन विष्णुप्रयाग चमोली धौली गंगा नदी पे है। वोवाला नंदप्रयाग चमोली अलकंदा पे है। कोटली भेल टिहरी पौड़ी गंगा पे है।
और तिवनी पलासू देहरादून डिस्ट्रिक्ट एंड टॉन्स नदी पे है, 50 मेगावाट की बिजली बनती है यहाँ से। लोहारी नागपाल जो है ये उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी पे 520 मेगावाट की बिजली बनती है। लाटा तपोवन चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, धौलीगंगा नदी पे। वकोली बांध परियोजना जो है चमोली नदी पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, पिंडारा नदी पे। पांडली बांध जो है चमोली में ही है, पिंडारा नदी पे। सिंगोली भटवाणी जो है चमोली मंदाकिनी नदी पे। और उत्याशु बांध जो है ये अलकनंदा नदी पे है, पौड़ी में। भैरव घाटी प्रथम जो है उत्तरकाशी जनपद में है, भागीरथी नदी पे। भैरव घाटी द्वितीय उत्तरकाशी भागीरथी नदी पे। बिलंगना जो है टेहरी में है, बिलंगना नदी पे। और साथ साथ होनल त्यूनी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, टॉन्स नदी पे। आराकोट त्यूनी जो है उत्तरकाशी में पब्बर नदी पे। हनुमान चट्टी या श्याना चट्टी जो है यमुना रिवर पे है उत्तरकाशी में। और वडकोट कुआं यमुना में है। श्याना चट्टी गंगा नानी उत्तरकाशी जनपद, यमुना रिवर। उसके बाद कर्णप्रयाग जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर्णप्रयाग चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, अलकनंदा रिवर पे। गौरीकुंड जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, मंदाकिनी रिवर पे। उसके बाद इम्पोर्टेंट है यहाँ पे विष्णु घाट पीपल कोटी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, अलकनंदा रिवर पे। और तालुका सांकरी उत्तरकाशी टॉन्स नदी पे है, 60 मेगावाट की बिजली बनती है। वन राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की 14वीं वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 46.73% भाग यानी कि 24,992 वर्ग किलोमीटर पर वन आच्छादन है। 14वीं वन रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्रफल 38,000 वर्ग यानी कि 19.61% भाग पर अति सघन एवं 56,011% भाग पर मध्यम सघन व 24.27% भाग पर खुले वन है। वन रिपोर्ट 2021 के नए आंकड़े हाल ही में आए हुए हैं, उसको भी करा दिया जाएगा। इसको इस यहाँ पे स्किप करते हैं। कुछ प्रमुख जो है वोग्यालस हैं, वोग्यालस यानी कि तो चौपता वोग्याल जो है ये रुद्रप्रयाग में है, ओली जोशीमठ में है, बेदनी चमोली में, केदारकांठा उत्तरकाशी में, मनेगा उत्तरकाशी में, मासरताल सहस्त्रताल टेहरी में है, हरकी दून उत्तरकाशी में है, चौफेट शिखर जोशीमठ में है, रूपकुंड ऋषिकेश मार्ग पे, और खतलिंग्स टेहरी में है, कफनी बागेश्वर दयारा उत्तरकाशी, कल्पना चमोली और चित्रकांठा चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः पौड़ी और ऊधम सिंह नगर हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972-73 में वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान पर गौरी देवी द्वारा की गई थी। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चांडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही के वर्षों में इनका निधन हो चुका था। मैती आंदोलन पर्यावरण जागरूकता वृक्षारोपण का कार्य के लिए महिलाओं द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। राज्य के प्रमुख वन वृक्ष हैं साल, ढांक, समेल, श्यामल, जामुन, बेर, सागौन, शहतूत, पलास, अंजन, बेहड़ा, बांस, चीड़, सिप्रूस, फर, देवदार और विलो आदि। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में ही स्थित है, काफ़ी बार पूछी गई है। वोग्याल्स ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते बल्कि मखमली घास के मैदान होते हैं, वोग्याल कहा जाता है। तो वोग्याल सभी मैंने यहाँ पे करा दिए हैं सारे। नेक्स्ट है जड़ी बूटी और औषधीय क्षेत्र में शोध एवं विकास संस्थान है। उच्च स्तरीय शोध पौध शोध संस्थान जो ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप जो पंतनगर में है। रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में है। रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा काटारमल कोसी में है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश हरिद्वार में देहरादून में है। और साथ ही साथ इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहन अल्मोड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च तांडी खेत अल्मोड़ा में है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री अरानी खेत अल्मोड़ा में है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में है। और गढ़वाल मंडल विकास लिमिटेड पौड़ी गढ़वाल में है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार और 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान तथा 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र है।
1936 में स्थापित हैली राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। वर्ष 1957 में महान प्राकृतिक प्रेमी जिम कार्बेट की स्मृति में इसका नाम बदलकर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। राज्य के सभी उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। इसके बाद क्रमशः राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी में आते हैं। सन 1982 में चमोली के कांचुला पार्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली को क्रमशः जो है सन 1988 और 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1977 में महरूड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। महरूड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था 1977 में। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना मुख्य रूप से कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हुई थी 1936 में। क्षेत्रफल है इसका 520.82 वर्ग किलोमीटर एंड पौड़ी और नैनीताल में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1982 में स्थापित किया गया था 624 वर्ग किलोमीटर में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये 1980 में स्थापित किया गया था उत्तरकाशी में। फूलों की घाटी 1982 में 87.50 वर्ग किलोमीटर चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में देहरादून पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में स्थापित है। साथ ही साथ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में उत्तरकाशी में स्थित है, अब तक का सबसे बड़ा है, उसके बाद इससे बड़ा आएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सबसे बड़ा ये है। और गोविंद वल्लभ पंत प्राणी उद्यान उच्च स्थलीय जो है 1995 में स्थापित किया गया था नैनीताल में। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय जो है प्राणी उद्यान नैनीताल, यहाँ पे आप इसका मेन फोटो देख सकते हैं फ्रेम में। नेक्स्ट है वन्यजीव विहार। आस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में स्थापित किया गया था 599 वर्ग किलोमीटर में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। गोविंद वन्यजीव विहार ये 1955 में स्थापित किया गया था उत्तरकाशी में। केदार वन्यजीव विहार 1972 में चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 में स्थापित किया गया था पौड़ी गढ़वाल में। विंसर वन्यजीव विहार 1988 में अल्मोड़ा में है। मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में देहरादून में। नंदोर वन्यजीव विहार 2012 में है नैनीताल व चंपावत में। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र 1988 में है चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जनसंख्या की बात कर लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से यही जो है पूछे जाएंगे क्वेश्चन। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या लगभग जो है 1,86,292 है, जिसमें के पुरुषों की जनसंख्या जो है यहाँ पे 51,37,773 और 50.93% और महिलाओं की जनसंख्या 49,48,519.07% है। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 0.83% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश में जो है कुल क्षेत्रफल का 1.69% भाग 69% भाग जो है घेर के रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का 20वां स्थान आता है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य के 3 जिले हैं हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर। 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं की कुल जनसंख्या 13,55,814 है, जिसमें कि 7,17,199 यानी कि 52.90% बालक और 6,38,615 बालिकाएं हैं। राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 18.80% रही है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 189 व्यक्ति। उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की ग्रामीण जनसंख्या 70,36,954 यानी कि 69.77% तथा शहरी जनसंख्या 30,49,338 यानी कि 30.23% है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम दिया गया है वर्टिकल।
कुछ इंपोर्टेंट आंकड़े। उत्तराखंड की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर लिंगानुपात जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के आंकड़े। उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का, यहाँ पे टोटल जो है क्षेत्रफल इसका है 8,016, व्यक्ति हैं 3,30,086, पुरुष हैं इसमें 1,68,597, महिला हैं 1,61,489। दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में 11.89% है। लिंगानुपात है 958 और जनसंख्या घनत्व तो इसका 41। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हो जाता है देहरादून, 3,088 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। टोटल यहाँ का जो है लिंगानुपात, देहरादून का लिंगानुपात जो है 902 है और जनसंख्या घनत्व तो 549। हरिद्वार का जो है लिंगानुपात 880 है और जनसंख्या घनत्व तो 801 है। राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला ऊधम सिंह नगर है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तरकाशी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है देहरादून है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला ऊधम सिंह नगर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है उत्तरकाशी है। सर्वाधिक बाल जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। सबसे कम बाल जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला चंपावत है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला ऊधम सिंह नगर है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला चंपावत है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला देहरादून है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला बागेश्वर है। लोक संस्कृति व मेले। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र एवं जौनसार क्षेत्र प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। राज्य में संस्कृति के विकास के लिए देहरादून में संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। उत्तराखंड में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने शैलचित्र के रूप में लाखू, ग्वारख्या, किमनी गांव, लेबिथाप, होडली, पोटशाला, पेटशाला आदि हैं। पलसीमा आदि प्रागैतिहासिक गुफाओं में मिलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी शैली की एक शाखा गढ़वाल शैली का विकास गढ़वाल के शाह नरेशों के संरक्षण में हुआ था। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार भोलाराम तोमर था। भोलाराम एक चित्रकार के साथ साथ कवि, लेखक, दार्शनिक व चिंतक भी थे। भोलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में स्थित है। भोलाराम द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख चित्र चंद्रमुखी, मयंकमुखी, दंपति, राधा कृष्ण, मिलन, सीताप्रिया, मस्तानी, हिंडोला आदि हैं। भोलाराम के चित्र को विश्व के सामने सर्वप्रथम बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने रखा था। गढ़वाल चित्रकला मुकुंदी लाल के द्वारा। गढ़वाल शैली के अलावा राज्य में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर एम्पड़, छिम्पड़, च्यूती, मार्तिका, प्रकीर्ण, पोह, डिकोर, पट्ट आदि लोक चित्र बनाने की परंपरा है। कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ के धार चूला और मोनिनसियारी प्रसिद्ध स्थल हैं। चौफला, झुमेला, छोपोती, छपेली, बाजुवंत, लामण, छूणा आदि राज्य के प्रमुख जो है प्रेम या प्रणय संबंधित लोकगीत हैं। गढ़वाल क्षेत्र के झुमेलो गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है। जागर गीत देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आवाहन या सम्मान में गाई जाने वाली लोक कथाएं हैं। बाजुवंत गीत पेड़ों के नीचे गाया जाता है। यह मुख्य रूप से रमाई क्षेत्र व टेहरी क्षेत्रों
में गाया जाता है। चौमासा अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की आशा में गाया जाने वाला गीत है। लोकगीत सनरो, थाड़िया, चांचरी, झुमेलो, झोड़ा, चौपला, खुकरी और भगनौल आदि राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। सनरो गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला एक नृत्य गीत है। छोलिया कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है। और थड़िया नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का ससुराल से पहली बार मायके आने पर बसंत पंचमी से विखो तक किया जाने वाला नृत्य है। पौड़ा नृत्य भोटिया लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बुढ़ियात नृत्य जौनसारी समाज में जन्मोत्सव विवाह आदि में किया जाता है। झुमेलो गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित स्त्रियों द्वारा मायकों की जो है स्मृति में किया जाने वाला एक भावना प्रधान नृत्य है। चांचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य है। और छोड़ा नृत्य जो है झोड़ा ये कुमाऊ में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। त्यौहार उत्सव मेले होली, दीपावली, मकर संक्रांति, हरेला, गंगा, दशहरा, खतडूबा, वैंसी, सारा, आंडू आदि राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं। कुमाऊ क्षेत्र में पशुओं का खतडूबा त्यौहार 17 सितंबर को मनाया जाता है। नुड़ाई त्यौहार जौनसार बावर क्षेत्र में मनाया जाता है। कलाई त्यौहार कुमाऊ क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नोठा कोथी उत्सव गढ़वाल कुमाऊ क्षेत्र का प्रसिद्ध उत्सव मेला है। यह वैशाख के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ के प्रथम सोमवार को आयोजित होता है। इसमें ढोल नगाड़ों के साथ प्रतीकात्मक रूप में पत्थरों की वर्षा होती है। सूरखंडा उत्सव का वार्षिक आयोजन टेहरी गढ़वाल जिले में सूरखंडा देवी के मंदिर में देवी की वार्षिक पूजा के अवसर पर होता है। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलती है। यह स्थल चीन के कब्जे में है अतः प्रत्येक यात्रा के लिए वीजा जारी किया जाता है। हिल यात्रा उत्सव मुख्यतः चरवाहों एवं कृषकों का उत्सव है जो कि पिथौरागढ़ के सौरो घाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह विश्व की अनोखी पदयात्रा है जिसमें चमोली के कांसुआ गांव के पास स्थित नौटी की नंदा देवी मंदिर से हेमकुंड तक की 280 किलोमीटर की यात्रा 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है। इस यात्रा में विदेशी लोग भी भाग लेते हैं। कल जो हम क्लास करेंगे डियर उसमें प्रमुख मेले से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है उसको थ्योरी टाइप में यहाँ पे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।